हे गाइस, मेरा नाम है वीरेन सिंह। आप जुड़े हुए ई लर्नम फॉर्मेडली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ। यहाँ पे हम क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं आप लोगों के साथ ICMR JRF के लिए। तो आप लोग होप इंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए, सो दीज आर द थिंग्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोर्सेज के लिए। न्यूक्लिक एसिड मॉलिकुलर बायोलॉजी लर्न करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में फटाफट हम लर्न कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल DNA RNA होता है। न्यूक्लिक एसिड में शुगर और जब नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं SN, तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, जब ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, तो ये बना देता है न्यूक्लियोटाइड। ये बना देता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ते हैं, तब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA बना देते हैं। अब इस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में जो होते हैं एक बेसिक रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग जो होता है प्यूरीन का हमेशा N यहां से स्टार्ट होगा, 1 से ऊपर से। P को उल्टा करोगे तो UP, यानी ऊपर से। ये हो जाएगा 1, 2, 3, इसके बाद 4, 5, 6, इस तरीके से नंबरिंग होती है। इसके बाद ये हो जाता है 7, 8 एंड 9। नाउ इसके अलावा इस पर्टिकुलर केस में नंबरिंग नीचे से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो होता है नंबरिंग किस में हो जाता है? पिरिमिडीन में हो जाता है। सो अब इसी बेसिक रिंग स्ट्रक्चर पे कौन कहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ता है उसी के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। प्यूरीन के केसेस में एडिनिन एंड गुआनिन है भैया। एडिनिन में 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, गुआनिन में 2nd पोजीशन पे अमीनो और 6th पे ऑक्सी ग्रुप आ जाता है, यह है गुआनिन। पिरिमिडीन जो होता है यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन पाया जाता है। इन द केस ऑफ DNA में जो बेसिस पाए जाते हैं, अगर हम प्यूरीन के ऊपर बात करते हैं, तो इन द केस ऑफ DNA प्यूरीन जो होते हैं एडिनिन एंड गुआनिन दोनों पाए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ पिरिमिडीन, अगर हम पिरिमिडीन के केस के ऊपर बात करें, तो इन द केस इनमें जो होता है वो साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। जबकि RNA में जो होता है प्यूरीन तो सेम होता है, RNA में प्यूरीन भी सेम होता है, एडिनिन और गुआनिन होगा, लेकिन पिरिमिडीन जो होता है वो थोड़ा सा सेम नहीं होता, क्योंकि यहां पे साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। RNA में जो पाया जाता है वो यूरासिल पाया जाता है, पिरिमिडीन में थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। सो पिरिमिडीन में अगर 2,4 डाइऑक्सी है, दूसरे और चौथे पे डाइऑक्सी तो यूरासिल, पांचवे पे मेथाइल जोड़ दिया 2,4 डाइऑक्सी के साथ तो आपके हो जाए थायमिन। और साइटोसिन में 4th पे आपके अमीनो ग्रुप होते हैं, ना कि ऑक्सी ग्रुप होता है, दैट इज द साइटोसिन। सुगर जो जनरली पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बीटा डी राइबोज, ध्यान देना नॉट अल्फा, बीटा डी राइबोज पाया जाता है इन द केस ऑफ RNA। RNA के केस में जो होता है बीटा डी राइबोज होता है, और इन द केस ऑफ DNA ये जो होते हैं बीटा डी ऑक्सी राइबोज, जिसमें 2'OH जो होते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं। इसमें 2'OH जो है यहां पे देखोगे तो आप स्ट्रक्चर सुगर के केसेस में पाया जा रहा है, RNA के केसेस में, जो कि ससेप्टेबल हो जाता है किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। 2'OH जो होता है ये जो होता है प्रोन टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए प्रोन हो जाता है। किससे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा? एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? जो कि आपके RNA जिस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है प्रोन हो जाता है डिग्रेडेशंस के लिए। नाउ देयर इज लाइक डिफरेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, बेस और आपके सुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, बेस जो होते हैं दे आर प्लानर, ब्लेस जो होते हैं ये प्लानर पाए जाते हैं, सुगर जो होते हैं जनरली पेंटोज सुगर जो होते हैं ये जो होते हैं पकर्ड होते हैं, नॉट प्लानर नहीं होते, पकर्ड होते हैं, और ये जो होते हैं काइरल भी होते हैं। द ओनली थिंग जो कि कायरलिटी प्रोवाइड करता है DNA और RNA को, वही आपका ये सुगर होता है जिसके पास कार्बन पाए जाते हैं इस तरीके से। नाउ प्यूरीन और पिरिमिडीन के बेसिस पे आपको ये चीज़ बताई जा चुकी है, अगर आपको ध्यान हो तो। प्यूरीन के केसेस में एडेनिन बताया गया, जहाँ पे देखिए 6th पोजीशन पे अमीनो जो जुड़ा हुआ है, गुआनिन के केसेस में 2 पे अमीनो जुड़ा हुआ है और 6th पे ऑक्सी जुड़ गया है। इन द केस ऑफ पिरिमिडीन साइटोसिन में देखिए 2 पे ऑक्सी और 4 पे अमीनो है, दिस इज लाइक। एंड यूरासिल में 2 पे ऑक्सी, यूरासिल थायमिन दोनों में होता है, यानी 2 पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है, 4th पोजीशन पे ऑक्सी पाया जाता है यूरासिल में। और इन द केस ऑफ आपके थायमिन मेथाइल ग्रुप हो जाता है विद द ऑक्सी। डाइऑक्सी तो सब में होते हैं, एक आपके यूरासिल और थायमिन में, लेकिन मेथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है थायमिन में, जिससे DNA स्टेबल हो जाता है, एक ये भी वजह होता है।
है। अगर आपका बेस और पेंटोज जुड़ा तो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, अगर एक फॉस्फेट से जुड़ा तो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो कि न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, इसको हम बोलेंगे अब न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बाद दिस लाइक आपके मोनोन्यूक्लियोटाइड है या आपके डाई है या ट्राई है, ये आपके केसेस बनते हैं कि उसमें कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। अगर तीन फॉस्फेट है तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा, दो होंगे तो डाई होगा, एक हो जाएगा तो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। दीज आर द केसेस फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इसमें जो होते हैं कौन सा कहाँ से आया है, पिरिमिडीन मेटाबोलिज्म से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। दो तरीके के पाथवे जो होते हैं फॉलो किया जाता है, एक होता है साल्वेज पाथवे, एक होता है साल्वेज और दूसरा होता है डी नोवो पाथवे एंड साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे दो मेटाबॉलिज्म होते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए, उसमें पिरिमिडीन और इसको कैसे बनने के लिए दिस इज वन पर्टिकुलर कोड। यहाँ पे ये कोड होता है यहाँ पे, ठीक है, दिस डी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये होता है द क्वेश्चन बैंक, इसको बोलने के लिए होता है द क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है जिसमें कि ये हो जाता है 1 3 2। ये है पहला स्पार्टेट होता है एंड क्यू इज लाइक ग्लूटामेट थर्ड है एंड बाइकार्बोनेट बाकी दूसरे के साथ साथ, ये जो बाइकार्बोनेट है पहले के साथ बाकी सारे आ जाते हैं 4 5 6 जो कि आपके स्पार्टेट का बैकबोन होता है, यू कैन सी हियर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोड अगर हम ये बात करते हैं प्यूरिन के केसेस में तो इसके कोड हो जाते हैं, दो कोड होते हैं, वन इज लाइक ग्रुप, ये जो होते हैं ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन 7 1 3 9 एंड उसके बाद हो जाता है एफ बी, ठीक है, ये हो जाता है 2 8 6। दीज आर द केस, ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये पूरा ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन में सेवेंथ नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है, दिस इज नंबरिंग, अगर इसमें करना चाहे तो नंबरिंग शुरुआत होगी यहाँ पे ऊपर से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, एक साइकिल में 6 हो गया, ये है 7 8 एंड 9। तो ये देखिएगा कि पहला वाला जो है वो अभी स्पार्टेट का यहाँ पे है, इसके बाद सेवेंथ वन जो नाइट्रोजन है दिस सेवेंथ फ्रॉम ग्लाइसिन हियर एंड दियर, ये जो हो जाता है आपका क्या है कि ये जो क्यू है वो कहाँ पर आ जा रहा है, 3 और 9 के लिए, 3 और 9 के लिए पर आ जा रहा है। तो ये देखेंगे डी और क्यू, यहाँ पे डी और क्यू सेम था, यहाँ पे द क्वेश्चन बैंक था, ठीक है, एंड द क्वेश्चन गाइड, अगर आप इस तरीके से याद करना चाहो तो इस क्वेश्चन को और भी इन्वॉल्व कर सकते हो, लाइक इस कोड को जो यहाँ पे द क्वेश्चन बैंक बताया तो लेट मी राइट कि ये हो जाएगा कि द क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन गाइड, क्या हो जाएगा, मैंने द क्वेश्चन गाइड डी क्यू जी, ये है प्योर द क्वेश्चन गाइड, डी जो हो जाएगा फ्रॉम 1, ये हो जाएगा 3 और 9 और ये है 7। आ गया केस, वही देखिए 1 एंड 3 यहाँ पे भी था 1 एंड 3, बस यहाँ पे बी 2 से था, यहाँ पे बी है और ये बी जो बाइकार्बोनेट हो जाता है यहाँ पे 6 के लिए होता है, दिस 6 4 5 6 फॉर द बाइकार्बोनेट एंड 2 फ्रॉम द फॉर्मेट, 2 जो है वो फॉर्मेट से आ जाता है। सो दीज आर द केस, दीज आर द कोड्स यू कैन रिमेंबर फॉर दिस न्यूक्लियस। इसके अलावा पकरिंग, जैसा मैंने आपको बताया राइबोज जो होते हैं नॉन प्लेनर होते हैं, पकरिंग पर होता है, पकरिंग C2 इंडो C3 इंडो हो सकते हैं, और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं इसमें आपके बेसिस के ओरिएंटेशन कैसे हैं, ये देखिए कि प्यूरीन के केसेस में यहाँ पे अगर ये बड़ा वाला बॉक्स जो है इस साइड में है, सो दिस इज कंसीडर एज सिन, अगर ये वाला पोर्शन जो है नॉर्मली हियर दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये कहाँ पे, इस पर्टिकुलर ओ के साइड में, तो दिस इज सिन 1, ये इधर के साइड है तो एंटी 1 है, और पिरिमिडीन में सिर्फ और सिर्फ एंटी पाया जाता है क्योंकि सिन के साइड में ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इतना इंट्रेंस हो जाता है कि ये पॉसिबल नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड में किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जस्ट कैलकुलेट द कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें पाए जा रहे हैं, उसके बाद प्लस 1 जोड़ दीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखो कि मान लीजिए A G C T D, इसका न्यूक्लियोटाइड आपको पता करना है तो हॉट सीट भी लाइक 5 बेसिस है तो चार्ज क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 5 + 1 नेगेटिव, ठीक है, तो ये आपको काम करना है इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड के चार्जेस के लिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या अलग अलग फॉर्म्स है, कैसे चलते हैं, उनमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, पहली बात तो बी भी राइट हैंडेड होता है और ए भी राइट हैंडेड पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड कौन होता है, जेड होता है। बी और ए, बी में जो होते हैं एक एक बेस पेयर जबकि जेड में 2 बेस पेयर के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। बी का मेन बेस पेयर टर्न 20.4 होता है, ए का 10.7 है और जेड का 12 पाया जाता है। एंड इन दिस
पर्टिकुलर केसेस जो पिच वैल्यूज जो होती हैं इन दिस 33.2, यहाँ पे 24.6 एंड 45. ये होता है आपका जेड हैंडेड में. यहाँ पे होता है बी फॉर्म में मेजर ग्रूव वाइड होता है, ए फॉर्म में मेजर ग्रूव नैरो होता है और जेड फॉर्म में फ्लैट होता है. इन द पर्टिकुलर ए फॉर्म बी फॉर्म यहाँ पे होता है C2 इंडो, ए के लिए C3 इंडो. फॉर द जेड फॉर्म ये दोनों के केस में NTNT होता है, जबकि जेड के लिए C2 3, गुआनिन के लिए C3 है, साइटोसिन के लिए C2 है और NT पाया जा रहा है और सिन फॉर द गुआनिन. बहुत सीधा सा केस है यहाँ पे. यू कैन यूज द कोड, कोड यूज करने का बहुत नॉर्मल सा है. ये है आपके अमन, ठीक है. क्या करना था, यू हैव टू यूज अमन, ठीक है. अमन का BMW जो था वो किस में फट गया था, झाड़ी में फंस गया था, ठीक है, झाड़ी में फंस गया था, ठीक है. तो झाड़ी में फंस गया था, दिस इज द कोड. एमन का मतलब ADNA का मेजर ग्रूव, ADNA, दिस इज समथिंग ADNA, ADNA का दिस M फॉर मेजर ग्रूव, M का मतलब मेजर ग्रूव है, ये है नैरो होगा अमन. BDNA मेजर ग्रूव वाइडर, ठीक है. ZDNA मेजर ग्रूव फ्लैट, F का मतलब हो गया फ्लैट. ये हो गया आपके मेजर ग्रूव का. माइनर ग्रूव आप उसका उल्टा कर लेना, आप आइडेंटिफाई कर लोगे. लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड कोड जिसको बोलते हैं, देखिएगा कि ये होता है कि आपके 2-3, ठीक है. ये जो है ए बी के ऊपर बात करते हैं, दिस इज ए बी जेड. जेड में हमेशा ध्यान रखना सी और जी, जेड का केस, ठीक है, सी और जी का केस. तो सी और जी का केस याद रखे रहोगे तो इट इज लाइक 3-2-2-3, यही है. ये जो होगा इसमें 3 इंडो 2 इंडो, इसमें 2 इंडो 3 इंडो था. ये है NT सिन. सिर्फ और सिर्फ ये गुआनिन है जो कि 3' इंडो और सिन पाया जा रहा है, बाकी NT होते हैं. दीज आर द कोडेड जो कि NT सिन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसके अलावा RNA जो होते हैं, अलग अलग RNA पाया जाते हैं, mRNA, राइबोसोमल RNA, tRNA एंड दैट अदर RNAs. mRNA जो होते हैं RNA polymerase 2 से ट्रांसक्राइब हो जाते हैं. राइबोसोमल RNA 70S और 80S होते हैं. ये जो होते हैं 50S और 30S सब यूनिट्स में पाए जाते हैं. 80S, 60S एंड 40S, 60S का पार्ट है 20S, 500S एंड 5 एंड 40S का होता है 18S, जबकि 50S का पार्ट है 23S एंड 5S, जबकि 30S का पार्ट होता है 16S. इसी के ऊपर क्लासिफिकेशन का बहुत ही कंजर्व्ड डोमेन जो होता है यही पाया जाता है, दिस कंजर्व्ड डोमेन 16S पाया जाता है. tRNA के ऊपर बात करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी होता है. सेकेंडरी को हम बोलते हैं दिस इज लाइक लूप स्ट्रक्चर, ये जो आपका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, सेकेंडरी को ही बोला जाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं दीज आर द L-shaped, ये जो हो जाते हैं L-shaped हो जाते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर. कई अदर RNAs होते हैं, SNRNA स्प्लाइसिंग के लिए, SNRNA RNA प्रोसेसिंग के लिए होता है, siRNA mRNA डिग्रेडेशन, miRNA ट्रांसलेशन अरेस्ट के लिए पाया जाता है. कोई भी tRNA अगर आप देखेंगे तो tRNA आपके CCA एंड 7 बेस पेयर स्टेम, सीडो यूरिडिन यहाँ पे T लूप पे पाया जाता है, D लूप पे डाईहाइड्रो यूरिडिन होता है और एंटीकोडॉन पे 5 बेस पेयर कोडॉन्स जो होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसके अलावा इन दिस पर्टिकुलर केसेस अगर हम बात करें तो रिप्लिकेशंस में कॉपी ऑफ DNA, कॉपी DNA अकर्स इन द S फेज होता है, मोस्टली सेमी कंजर्वेटिव होता है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल RNA और DNA short sequences occurs in all organisms. The process is initiation, elongation, termination, origin of replications यहाँ पे involve हो जाता है. Primer यहाँ पे चाहिए जो 3' OH provide करेगा. Replication का direction हमेशा ऐसा होना चाहिए, अगर primer नहीं है तो 5' phosphate overhang होने चाहिए to particularly synthesize करने के लिए. जो replication comparison होता है DNA ORC protein के comparison में होता है, recognize करेंगे gyrases, 2' 1-2 super coiling को remove करेंगे, helicases, DNA B MCM, DNA B eukaryote में, DNA B prokaryote में, MCM यूकेरियोट में पाया जाता है, DNA C E-coli में होता है जो कि DNA हेलिकेज लोडर की तरह काम करता है, CDC6 एंड CDT1 जो होते हैं वो आपके यूकेरियोट में पाया जाता है, SSB जो होता है E-coli में होता है, RPA यूकेरियोट में पाया जाता है, गामा कॉम्प्लेक्स दैट इज इन दिस पर्टिकुलर E-coli यूकेरियोट में, RFC होता है, बीटा क्लैंप E-coli में, PCNA यूकेरियोट्स में होते हैं, ये आपके क्या होते हैं प्रोसेसिविटी कंपोनेंट होते हैं, गामा कॉम्प्लेक्स क्लैंप लोडर्स हो जाते हैं, कोर एंजाइम्स DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ पे होता है, एप्सिलॉन और डेल्टा यूकेरियोट में होता है, प्राइमेज E-coli में होता है, कोई भी पॉलीमरेज अल्फा नहीं होता. इन द केस ऑफ यूकेरियोट प्राइमेज और अल्फा पाया जाता है, पहले सिंथेसाइज RNA प्राइमर्स एंड उसके बाद पॉलीमरेज अल्फा RNA DNA प्राइमर बनाने के काम आता है. उसके बाद DNA
लाइगेजेस जो पाया जाता है वो कहा जाके फ्रेगमेंट के लिए यूकेलाई में, और वही आपके यूकैरियोट्स में भी होते हैं। प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज वन रिमूव करता है प्राइमर को, और एफईएन वन जो होता है यूकैरियोट में रिमूव करते हैं। अगर प्रोसेसेस के ऊपर बात करते हैं तो नॉर्मली प्रोकैरियोट सिंगल केसेस यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर द सिंगल मोनोरिप्लिकॉनिक है, यूकैरियोट में मल्टी रिप्लिकॉनिक है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और आई सी बोलते हैं यहाँ पे 9 मर और 13 मर, मेल्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। यूकैरियोट में एआरएस बोलते हैं, ए डोमेन B1 B2 B3, मेल्टिंग B2 से स्टार्ट होती है। हेलिकेज डीएनए बी आ जाता है, कट करता डीएनए, यहां पे एमसीएम हेलिकेज होता है। एसएसबी प्रोटीन एसएसबी बोलते हैं इसको, यहां पे रिप्लिकेशन प्रोटीन ये बोलते हैं। प्राइमेज का काम डीएनए जी करता है, यहां पे प्राइमेज पहले आरएनए प्राइमर के लिए प्राइमेज हो जाता है और डीएनए प्राइमर के लिए पॉलीमरेज अल्फा हो जाता है। रिप्लिकेशन का काम करता है पॉलीमरेज थ्री, यहां पे एप्सिलॉन और डेल्टा करते हैं। टोपोइसोमेरेज का काम करता है गायरेज एएनबी, यहां पे 1 एंड 2 दोनों होते हैं। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बीटा क्लैंप होता है। पीसीएनए कॉम्प्लेक्स आपके पीसीएनए कॉम्प्लेक्स होते हैं किसमें, यूकैरियोट में। गामा कॉम्प्लेक्स क्लैंप लोडर है, जबकि आरएफसी जो हो जाता है वो आपके यूकैरियोट में होते हैं। रिप्लिकेशन रेट प्रोकैरियोट का हाई होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, यूकैरियोट का 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड होता है। व्हाट इज द प्रोसेसेस, इनिशिएशन में पहले डीएनए ए बाइंड करता है, ओआरआईसी से बाइंड करने के बाद बाइंडिंग ऑफ द ओआरआईसी लोडर टू द डीएनए बी हेलिकेज, ये बाइंड किया हेलिकेजेस से, ओपन करता है हेलिक्स को, एसएसबी बाइंड किया, एसएसबी के बाद डीएनए जी प्राइमर बाइंड करेगा, बोथ स्ट्रैंड पे सिंथेसिस ऑफ द आरएनए प्राइमर, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन द केस ऑफ यूकैरियोट पहले ओआरसी बाइंड टू द एआरएस, ओआरसी बाइंड करेगा सिमिलर क्योंकि डीएनए ए ओआरसी एक जैसा था, फिर उसके बाद यहां पे CDC6 CDT1 लोडर बाइंड करेगा जैसे डीएनए सी था, इट इज नॉट ओआरआईसी। यहां पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपके डीएनए सी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो डीएनए सी यहां पे बाइंड करेगा। उसके बाद क्या हो जाता है कि CDC6 CDT1 बाइंड करते हैं ओआरसी पे, फिर एमसीएम हेलिकेज बाइंड करेगा, हेलिकेज के बाद एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन की तरह काम करेगा एंड प्राइमेज पॉलीमरेज अल्फा आएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर पहले बनेगा, देन आईडीएनए यानी कि सिंथेसिस ऑफ आईडीएनए प्राइमर्स बन जाएंगे। इलोंगेशन में प्राइमर पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे पॉलीमरेज स्विचिंग होगी अल्फा से या तो एप्सिलॉन और डेल्टा में, फिर एप्सिलॉन और डेल्टा आपके सिंथेसाइज करेंगे। टर्मिनेशन टस प्रोटीन जो होता है बाइंड कर देता है टर्मिनेशन साइट से और हेलिकेज के मूवमेंट को रोक देता है, जबकि यूकैरियोट में अननोन पाया जाता है। प्रूफ रीडिंग का काम होता है 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बाय पॉलीमरेज 1, प्राइमर इन्वॉल्व का काम भी पॉलीमरेज 1 से होता है 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट इट इज डन बाय द पॉलीमरेज अल्फा और एप्सिलॉन प्रूफ रीडिंग एंड प्राइमर इन्वॉल्व फॉर आरएनएच वर्च एच एंड एफ ई एन RNH H और FEN से ये जो होता है पाया जाता है। यहाँ पे जो होता है जो मैंने आपको बताया था दिस इज DNAC जो कि लोडर का काम करता है, हेलिकेज लोडर होता है DNAC, ठीक है। नाउ डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स अलग अलग होते हैं, जो मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम्स होते हैं वो होता है पॉलीमरेज 3, सेकंड असिस्ट कर रहा होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ वाई फैमिली पॉलीमरेजेस होते हैं। फर्स्ट का काम होता है डीएनए रिपेयर, प्रूफ रीडिंग एंड प्राइमर रिमोल। फर्स्ट का काम प्रूफ रीडिंग, डीएनए रिपेयर एंड प्राइमर रिमोल होता है, बाकी रिप्लिकेशन का काम 3 का होता है, सेकंड का असिस्ट करने का, एंड फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले वाई फैमिली इरर प्रोन रिप्लिकेशन के लिए पाए जाते हैं। इन द केस ऑफ यूकैरियोट अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ये अलग अलग केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइमर फॉर्मेशन अल्फा करता है, बीटा जो होता है बेस ऑक्सीजन रिपेयर, गामा जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, डेल्टा एंड एप्सिलॉन फॉर द सिंथेसिस, ये जो होते हैं सिंथेसिस के लिए पाए जाते हैं। तो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो रहे थे। टीलोमेरिक रिप्लिकेशन में टीलोमेरेज यूज हो सकता है, टर्मिनल ट्रांसफरेजेस की तरह काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है। द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज दिस इज आरएनए डिपेंडेंट, ये जो हो जाता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है आपका टीलोमेरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है जो आपका ये पाया जाता है दिस पर्टिकुलर केस टीलोमेरेजेस। इसमें क्या करता है कि टीलोमेरेज अपना आरएनए सीक्वेंस खुद लेके आता है, पहले हाइब्रिडाइज होगा, हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे फिर सिंथेसाइज करेगा, इसके आगे वाले पोर्शंस इसके लिए सिंथेसाइज कर दिया, यहाँ पे सिंथेसाइज करने के बाद फिर थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होकर और आगे बढ़ेगा, फिर अब इसके बाद थोड़ा सा और शिफ्ट होगा, फिर ये वापस से पॉलीमरेजेस एंड लाइगेजेस जो होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होकर बाकी का काम कर जाएंगे।